सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओमेज नेशन। और आज का व्लॉग भी भाई थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग अपने हेलमेट पे रैप करने वाले हैं। अभी देखते हैं कि रैप होता है कि नहीं। बेसिकली हम लोग इस पे रैप करने वाले हैं, ये जो स्क्रीन है ना, मतलब वाइज़र, उसके ऊपर रैप करने वाले हैं। और अपनी बाइक के ऊपर तो ऑलरेडी स्टिकरिंग वर्क हो चुका है। बाइक थोड़ी सी गंदी हो रही है बिकॉज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो बाइक का थोड़ा बुरा हाल है, बट ठीक है, साफ़ सुथरी तो है। नीचे से खाली कीचड़ लगा है। और ये रहा अपना नाम का इधर, और एक इधर, और इधर का ये टूट गया है बिकॉज़ एक बाइक वाले ने इधर से टच किया, और ये जो इसके ऊपर का ये रहता है, ये वाला पार्ट, ये डायरेक्ट निकल गया। सो देखते हैं इसको चेंज करेंगे या फिर इसको निकाल के कुछ और लगाएंगे। सो लेट्स सी, अभी जल्दी चलते हैं हम लोग। और हम लोग वहाँ पर ही चल रहे हैं जहाँ पर अपना ये वाला स्टिकरिंग का काम हुआ है। वहाँ पर पता नहीं कि होगा कि नहीं, मतलब वाइज़र के ऊपर रैप, बट लेट्स सी। बट अगर हो गया तो भाई काफ़ी तगड़ा लुक आने वाला है अपने हेलमेट को। और अपना हॉर्न यार, जितने बार भी इसका हॉर्न बजाओ ना भाई, अलग ही प्यार होता है मेरे को। सो और एक चीज़ जो हम लोग ने इसके ऊपर लगाई है, वो टायर हम लोग ने चेंज किया है इसका, बिकॉज जो पहले वाला टायर था जो कंपनी से स्टॉक आता है, वो फट गया जब भी मैं फैमिली के साथ बाहर जा रहा था तभी। सो हम लोग ने ये C8 का लगाया, अभी ये कौन सा है पता नहीं, सिक्योरा जूम एफ करके कुछ तो है, बट सही है इसकी भी ग्रिप। और आगे वाला तो स्टॉक ही है अपना, मतलब जो कंपनी से आता है वो ही है, अभी इसकी लाइफ और बची है। सो इसकी ग्रिप भी अच्छी है, मतलब पहले से थोड़ा सा मैं बोल सकते 19-20 है, बट पहले वाला काफ़ी अच्छा था। जब मैं लीन मारता हूँ तो उसका ग्रिप अलग था। मे बी ये टायर नया है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि इसके ऊपर प्रॉपर कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ रहा है मेरे को, बट जब भी चलेगा ज़्यादा तो फिर बोलते हैं ना कि बाद में प्रॉपर ग्रिप देता है टायर, सो वैसा भी कुछ सीन हो सकता है। अभी बहुत हो गई बातें, अभी वहाँ पर चलता हूँ और फिर देखता हूँ। अगर वहाँ पर ही मेरे को ये चेंज करवा के मिल रहा होगा ना, तो चेंज करवाते लगे हाथ। इसके ऊपर करने का है, हाँ, ब्लैक या फिर कलर देखो। सो अभी चेक करते कौन सा पसंद आ रहा है। हाँ, स्मोक वाला दिखा। अच्छा, बाहर से दिखना नहीं चाहिए, दिखेगा दूसरा कौन सा ब्लैक है, दिखा वो, एक बार ट्राई करते। हैंडल बार पे लाइट लगा है मेरे। सो अभी हम लोग ने ये लिया है, बाहर निकाल दो। लेकिन इसका स्विच भी है, मेन हेडलाइट का स्विच है, और इसको निकालने का प्लान चालू है, और इसको निकाल के फिर ये इंस्टॉल करेंगे, और इससे लुक भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। लेट्स सी, इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं। तो अभी ये वाला इंस्टॉल किया है, बट काफ़ी सही है, मतलब लुक भी सही आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना, अभी बाइक चलाऊंगा तभी आपको दिखाऊंगा। अभी हेलमेट का काम तो नहीं हुआ है अपना, हेलमेट दिखा देता हूँ। हेलमेट वैसा ही है, और इनके पास अभी फिल्म अवेलेबल नहीं है, तो जब भी फिल्म अवेलेबल होगा तभी करते। सो अभी डायरेक्टली मिलता आपको मोटो ब्लॉग। सो अभी चल रहे, और बाइक का लुक देखो भाई, बहुत सेक्सी लग रही है मेरे को तो। चलो चलो, फिल्म लेके आओ मेरे को कल।
चलो चाचा चला आका, थैंक यू। हाँ केला केला। सो यहाँ से मैंने ये वाला लगाया और अब उनने वो लाइट्स निकाल दिए और अभी देखो सही लग रही है, लाइट तो जल रही है, इंडिकेटर भी जल रहे हैं, दोनों जल रहे हैं। चलो चलते मेरे भाई, फिल्म घेऊन ये, कधी आणशील कलरवाली? बघ कलरवाली, हां कधी आणशील? संडेला येऊ, संडेला येतो, ठीक आहे चल। सो भाई लुक देखो, बाइक का पूरा चेंज हो गया है, इसको थोड़ा शायद से नीचे नहीं, बराबर है, बट बहुत सेक्सी लग रही है यार। अभी देखो भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा चौड़ा चौड़ा लग रहा है लुक ही, मतलब एक सुपर बाइक तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा ब्रॉड लग रही है मेरे को, नॉर्मल शाइन से थोड़ा ऐसा क्या बोल सकते हैं अभी यार, समझ लो, मतलब आया था कुछ एक काम करने और दूसरा ही काम कर दिया, बट ठीक है यार, बाइकर्स वैसे ही होते हैं, जाते एक काम करने और करके आते कुछ और ही, मतलब अच्छे वाले काम ही करके आते हैं। सो ये भी इंस्टॉल जो किया है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अपना लीवर प्रोटेक्ट के लिए, बट यार बहुत सही लग रहा है, मतलब अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे को। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई, बट अपने को तो भाई 10/10। लोअर परेल के ब्रिज पे ये साइड मैंने बाइक घुसा है स्पेशली आपको दिखाने के लिए। ये देखो भाई, मतलब सामने से भी देखो क्या खतरनाक लग रही है, बहुत सही लग रही है। लाइट्स तो हम लोगों ने हटवा दिए, LED अपना चालू है, ये देखो एक सेकंड लाइट चाबी बंद है, ये देखो LED का चालू है, LED का स्विच यही है, और कुछ नहीं अभी, खाली हम लोग ने एक ही चीज़ की है, जो इसको बोलते हैं लीवर गार्ड बोलते हैं शायद से, वो इंस्टॉल कर दिए बिकॉज लीवर प्रोटेक्शन के लिए, और अपना हाथ भी सही रहे, ज़्यादा कुछ लगे नहीं, मतलब इधर से इम्पैक्ट जब हो तभी, समथिंग अराउंड 350 के पड़े मेरे को दोनों। और अभी उनके पास दो ही कलर अवेलेबल थे, एक तो ब्लैक और एक ब्लू, और क्वालिटी भी एक ही था, तो हम लोग ने कुछ सोचा नहीं कि बाबा ठीक है दे दे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग को बाइक कैसे लग रही है, मेरे को तो भाई बहुत ख़तरनाक लग रही है। और यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो एंगल जब भी मैं बाइक चलाता हूँ, खैर आप लोगों ने तो देखा होगा मैं बाइक चलाते वक्त तो ऐसा आ रहा है, और साइड से देखोगे तो ये एंगल है, और अगर सामने से देखोगे भाई बहुत ख़तरनाक, ये देखो एकदम फुल सेक्सी लग रही है मेरी बाइक। और लीवर गार्ड लीवर प्रोटेक्टर जो कह लो, वो आप लोग को कैसे लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके ऊपर हम लोग एक रिफ्लेक्टर भी लगाएंगे बाद में, जब हेलमेट का काम करने जाएंगे तभी, यहाँ पर एक छोटा सा रिफ्लेक्टर, ताकि सामने की जब लाइट पड़े तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाए। और मेरे को तो भाई 10/10 लग रही है, बट बहुत सही लग रही है। और आप लोग को कैसे लग रही है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अगर आपको ये अच्छी लगी हो, मॉडिफिकेशन छोटी सी थी बट अनएक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन थी ये, मतलब प्लान करके कुछ भी नहीं गया था, प्लान तो कुछ और ही था और हो गया कुछ और ही, मतलब ये करवा के आए हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। डिलम बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग। चलो बाय।